मेरी एक स्पीच दिखा दीजिए जहां पर मैंने इस तरह की बात कही, बताइए आप। चलिए स्पीच चलाइए मेरी, अभी आप मेरी एक स्पीच चलाइए जहां पर आप जो कह रहे मैंने कहा इस बात को। मैडम, अगर मैं कह रहा हूं कि शहर मेरा है, शहर आपका है, शहर हमारा है, और अगर अंजना ओम कश्यप भी हैदराबाद में रहती तो मैं उनको कहता कि ये भी आपका शहर है। मैं इन लोगों के देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने का मोहताज नहीं हूं, मैं जूती पर रखता हूं इनकी देशभक्ति के सर्टिफिकेट को। मैं भारत का वफादार हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मीडिया डिबेट्स में कुछ विपक्ष के नेता बीजेपी और मीडिया के सवालों का करारा जवाब देते दिखाई देते हैं। उनमें से ऐसे ही एक नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हम उनकी हाल ही की डिबेट्स का जिक्र करेंगे इस वीडियो में। आज तक पर हैदराबाद के चुनाव के मुद्दे पर डिबेट में एंकर अंजना ओम कश्यप ने ओवैसी को सेकुलरिज्म के सवालों में उलझाने की बार बार कोशिश की, पर ओवैसी ने अपने तीखे जवाबों से एंकर को ही चुप करवा दिया। आपके गढ़ में घुस आए हैं। 55 और 48 का फासला देखिए सर, सिर्फ 7 सीटों का फासला है नंबर 1 पार्टी से और आपसे 4 का। मेरे घर में कहां है मैडम, बताइए ना। मैं तो आपको एम्पिरिकल डेटा दे रहा हूं। मेरे घर में जय श्री राम बोलने वाले कम्युनल है, बीजेपी के वोटर्स कम्युनल है मैडम। ये भावना आप भी स्प्रेड करते हैं। मेरी एक स्पीच दिखा दीजिए जहां पर मैंने इस तरह की बात कही, बताइए आप। चलिए स्पीच चलाइए मेरी, अभी आप मेरी एक स्पीच चलाइए जहां पर आप जो कह रहे मैंने कहा इस बात को। मैं तो आपको, आप तमाम को बता रहा हूं कि भारत की पहली संविधान की किताब में ये तमाम चीजें हैं। तो राम की तस्वीर है, सीता की तस्वीर है, गुरु नानक की तस्वीर है, टीपू सुल्तान सब की है, तो यही तो खूबसूरती है भारत की। आपने कौन से शब्द इस्तेमाल किए, इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी लेकिन ये हैदराबाद को भाग्य नगर नहीं कर। सुन, बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी भी खत्म हो जाएगा मगर हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का पहले का नाम क्या था, बताइए क्या नाम था उनका, पहले दिया हुआ नाम क्या था उनका, हम भी पूछे क्या। आज तक की एक डिबेट में बीजेपी नेता ने ओवैसी को वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे ना लगाने के लिए उनके भारतीय होने पर शक किया, जिसका ओवैसी ने करारा जवाब दिया। अगर इन्होंने कहा कि मौलाना आजाद की तरह हैं, तो फिर वंदे मातरम सरस्वती वंदना से ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर ऐतराज है तो ये सबसे पहले जिन्ना ने किया। साबित कीजिए ओवैसी जी अपनी देशभक्ति। नहीं बोलूंगा, साबित कीजिए अपनी देशभक्ति। मैं जिंदगी में जब यहाँ से चला भी जाऊंगा ना, तो मेरे आने वाली 10 नस्लों को ये पूछते रहेंगे अपनी देशभक्ति साबित करो, भाड़ में जाए। मैं इन लोगों के देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने का मोहताज नहीं हूं, मैं जूती पर रखता हूं इनकी देशभक्ति के सर्टिफिकेट को। मैं भारत का वफादार हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब रहा सवाल कि ये मुसलमान जिन्ना, सुधांशु जी ये बताइए कि क्या कितने मुसलमानों ने वोट दिया था मुस्लिम लीग को, क्या यूनिवर्सल सफरेज था जब कि हर कोई मुसलमान वोट दे सकता था। वोट डालने का मियार था जो जमींदार थे, जो नवाब थे, जिनके पास इतनी आमदनी का हिस्सा था, सुधांशु जी उन्हीं लोगों ने वोट दिया और वो पाकिस्तान चले गए। ये आप क्यों नहीं बताते बार बार, ये आप हिस्ट्री को आधा चाप लेते हैं और आधा बताते हैं। आज तक पर ही हैदराबाद के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में अंजना ने ओवैसी का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में अंजना ने धार्मिक एंगल पर सवाल कर ओवैसी को फंसाने की कोशिश की, पर ओवैसी ने इसका ठीक से जवाब दिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज ललकारा है आपके हैदराबाद में पहुंचकर, कह रहे हैं अगला मेयर बीजेपी का ही होगा हैदराबाद शहर में। 4 तारीख को मैडम आप बुला लीजिए हमको, हम आ जाएंगे, उसमें कोई जल्दी नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़ी होते हैं। आप भी तो जमकर ललकारते हैं ना सर, आपने कहा कि आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी लेकिन हैदराबाद का आप नाम नहीं बदल पाएंगे। हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि ये काम होना था, ये काम करना है। ये तमाम चीज आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये कर रहे हैं। ललकारिए जरूर, मगर ललकारने का तरीका ये नहीं है कि आप पुराने शहर की, तेलंगाना की, हैदराबाद की जनता को उनकी तौहीन करेंगे। रिलीजियस आइडेंटिटी पर तो आप भी खेलते हैं ना सर। मैडम, अगर मैं कह रहा हूं कि शहर मेरा है, शहर आपका है, शहर हमारा है, और अगर अंजना ओम कश्यप भी हैदराबाद में रहती तो मैं उनको कहता कि ये भी आपका शहर है। हैदराबाद में एक मशहूर कहावत है मैडम कि जो गंडी पेट का पानी पिया वो हैदराबाद का हो गया। ओवैसी अक्सर सरकार की खुल के आलोचना करते दिखाई देते हैं और डिबेट में भी बीजेपी नेता को करारा जवाब देते नजर आते ही रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।